समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के 22वें जन्मदिन पर रविवार को बेतियाहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद सहनी की अध्यक्षता में धूमधाम से केक काटकर एक दूसरे को केक व मिठाई खिलाकर नेताजी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक व मिठाई खिलाकर नेताजी की दीर्घायु होने की कामना किया। इस दौरान हुई विचार गोष्ठी की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद सहनी और संचालन जियाउल इस्लाम ने किया। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान अखिलेश यादव, जगदीश यादव, डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, रजनीश यादव, मुनीलाल यादव, मिर्जा कदीर बेग, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, राघवेंद्र तिवारी राजू, सुमन पासवान, राहुल यादव सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद सहनी ने कहा, गाड़ी के ऊपर गद्दा बिछा करके रजनीश जी सिंह जी ये पंकज साहिब के पिताजी तमाम लोग खड़े गए और दोनों सीट हम लोग पुनः जीते और नेताजी की क्षमता थी कि 91 में 35 सीट जीते। समारोह पर अपनी बात रखते हुए कहना चाहता हूँ कि आप जो हजारों साल समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक और कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, देश के रक्षा मंत्री रह चुके हम लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज जन्मदिन है। आज उनके 22वें जन्मदिन पर हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पर केक काट करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोगों को फख्र है कि हम एक ऐसे नेता के फॉलोअर हैं जो दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यकों के नेता रहे हैं और देश के रक्षा मंत्री रहते हुए उनके पहले तो जब भी कोई देश पर जवान शहीद होता था तो उसकी लाश उसके परिजनों को नहीं पहुंचाई जाती थी, लेकिन देश को नाज है आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर कि जब वो देश के रक्षा मंत्री हुए तो आज जब भी कोई भी सैनिक शहीद होता है तो सम्मान के साथ उसकी बॉडी को उसके घर पर पहुंचाने का काम किया जाता है। आज किसानों के लिए भी योजनाएं उन्होंने चलाया, सभी लोगों के लिए योजना चलाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। मस्जिद बाबरी मस्जिद पर जब निर्णय आता है तो उस समय अगर किसी ने अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलने का काम करता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी होते हैं जो कहते हैं कि कोर्ट के इस निर्णय से हिंदुस्तान का मुसलमान स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है, तो हर जाति और धर्म के लेकर काम करने का काम किए तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया।